अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल एनएमएसएच। आज आपकी वीडियो में एनएमएसएच लेकर आई हैं एक बेहतरीन और ज़बरदस्त टिप्स जो कि दौराने हमल में लड़कियां बुनियादी गलतियां कर देती हैं। दौराने हमल ये है कि यानी कि आपने फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ या 8 मंथ तक आपने जो अमल नहीं करना, जो चीज़ें नहीं खानी, आज मैं उसके बारे में बताऊँगी। इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपको पता चल जाएगा कि हमें किस चीज़ों से परहेज करना है, उसके नुकसान क्या क्या हैं। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशली एनएमएसएच सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिले इस तरह की और आने वाली तमाम हमल और पीरियड्स और ख़वातीन के मसाइल से रिलेटेड वीडियोज़ नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो बात करते हैं बुनियादी गलतियों की। तो आपने क्या करना है कि शुरू के माह में या 5 मंथ हो या 6 मंथ हो, आपने जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मैंने देखा है कि लड़कियाँ होती हैं कि चुकंदर का जूस ज़्यादा से ज़्यादा लें, गाजर पिलाएं, ये करें वो करें, ज़्यादा पियेंगी तो खूबसूरत होगा बच्चा। देखिए, इतना ज़्यादा प्रोटीन या इतनी ज़्यादा ताकत की चीज़ें भी आपके लिए नुकसानदार हैं। और हमने ऐसे ऐसे केस देखे जिन्होंने बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उन्हें हमल ज़ाया हो गए। एतदाल के साथ वीकेंड में आप जूसेस ले सकती हैं, लेकिन इस कदर नहीं कि डेली आप पी रहे हैं। दूसरी चीज़ जो दौराने हमल आपने नहीं करनी वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के बारे में बताया गया है कि हमल को ज़ाया करती है, हमल में नुकसान का बायस बनती है, तो आप स्ट्रॉबेरी बिल्कुल ना खाएं। तीसरी चीज़ जो देखी गई है वो है कलेजी। कलेजी चाहे बकरे की हो, गाय की हो या फिर मुर्गी की, कलेजी आपने नहीं खानी, तहाई गर्म होती है और आपके बच्चे को नुकसान दे सकती है। पपीता के हवाले से भी बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं कि पपीता भी नहीं खाना चाहिए, इससे भी हमल में नुकसान और तकलीफ़ आ सकती हैं। इसके अलावा सौंफ के बारे में लोगों ने कहा है कि सौंफ खाएं बच्चा जो खूबसूरत होता है, तो ज़्यादा सौंफ ना इस्तेमाल करें। कभी कभार आधा एक चम्मच कुछ दाने आप खा सकती हैं। चमचे भर भर के सौंफ खाई जा रही है कि बच्चा खूबसूरत होगा, गोरा होगा, हमल में आसानी होगी, ऐसा कुछ नहीं, आप ले सकती हैं लेकिन एक मकदार में। विटामिन ए जो है ना आपने कम से कम लेना है, इससे भी जो है हमल के मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये चीज़ें आपने नहीं खानी। ये मैंने सिर्फ आपको बुनियादी गलतियां और परहेज खाने के बताएं। गलतियों के बारे में इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि आपने क्या नहीं करना, ये था क्या नहीं खाना। तो आप इन चीज़ों से परहेज करें, इंशाल्लाह ताला आपके हमल में कोई नुकसान नहीं आएगा। ये चीज़ें आप हरगिज़ ना खाएं। अव्वल मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता रही थी, जैसे गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, बड़े का गोश्त, ये भी नाले से पीरियड्स भी आ जाते हैं और अमूमन जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गर्म तली हुई बाहर के खाने, इन चीज़ों से परहेज करें। अपना और अपने बच्चे की सेहत के लिए इस वीडियो पर अमल जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्पेशल से नमें से लेकर आती है आपके लिए रोज़ाना नई वीडियो, तो इसको मत भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।